Jungle. कर्नाटक राज्यातील भालकी विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार ईश्वर खंडरे यांच्या प्रचारार्थ भालकी शहरात भव्य रॅली व सभेस मार्गदर्शन करताना महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय लोकनेते माजी मुख्यमंत्री अशोकराजे चव्हाण साहेब, यावेळी त्यांच्या समवेत आमदार जितेश भाऊ अंतापूरकर, माजी आमदार हनुमंतराव पाटील बेटमोगरेकर, सुभाष पाटील कोकलगावकर, प्रशांत पाटील आचेगावकर, बालाजी पाटील थडके, अंबादास पाटील नरंगलकर, शिवकुमार ताडकोले, रुपेश पाटील भोकसखेडकर उपस्थित होते। महाराष्ट्रातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी आजच आमच्या ताजा हालात न्यूज लाईव्हला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा। ताजा हालात न्यूज ब्युरो नांदेड। हे कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव, इस चुनाव के फलितांश पूरे देश भर के लोग कर्नाटक की तरफ देख रहे हैं। ये आर्य पार की लड़ाई है। एक तरफ सत्य न्याय नीति धर्म है, दूसरी तरफ असत्य अन्याय नीति अधर्म है। ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है। तो कांग्रेस पार्टी ने अब तक क्या किया है आप जानते हैं, और मैं ईश्वर खंडरे, मेरे पिताजी पूज्य श्री भीमन्ना खंडरे जी, इनका क्या योगदान है पूरा भालकी में, बीदर जिले में भी आप लोग जानते हैं। तो मैं कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहा हूं। 4 साल से आज बीजेपी की सरकार है कर्नाटक में। ये सरकार तो ऑपरेशन कमल करके असंविधानात्मक दृष्टि से इन्होंने एमएलए को खरीदी करके सरकार बनाया। सरकार बनाने के बाद कुछ तो काम करे क्या? कोई घनदारी काम इन्होंने किया नहीं। कांग्रेस के कार्यकाल में बेंगलुरु कर्नाटक का राजधानी, आईटी में, बीटी में, आरोग्य के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में नंबर 1 कर्नाटक बोल के कहा जाता था। आज बीजेपी के इस दौर में कर्नाटक को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? 40% कमीशन के नाम से बीजेपी को जानते हैं। ये पूरा कर्नाटक का मान मर्यादा मिट्टी में मिलाने वाला है बीजेपी। इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आया है। इसलिए भाइयों, बहनों और दोस्तों, आप जागृत रहिए। ये जो कुछ भी कहते हैं कुछ करते नहीं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। झूठ में अगर किसी को नंबर 1 नोबल प्राइज भी देना है तो बीजेपी वालों को, उनके नेताओं को देना है। महंगाई कम करते बोले, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर नहीं, सभी जीवनावश्यक वस्तुओं का भाव बढ़ गया। सीमेंट का, स्टील का, गोबर का, सभी किसका भी आप पूछिए तो गरीब लोग परेशान है। तो गरीब का तो जेब पिक पॉकेट कर रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट के किधर जा रहा है? गरीब का पैसा अदानी और अंबानी के जेब भर रहे हैं पूरे। तो क्या ऐसे पार्टी को वोट देना चाहिए? ऐसे एमएलए को वोट देना चाहिए? तो भाइयों बहनों, आज उन लोगों ने कहा कि किसानों का आदाय डबल करेंगे। क्या किसानों का आदाय डबल हो गया? क्या फर्टिलाइजर का भाव बढ़ गया? उनका पूरा कृषि उत्पादन करने के लिए लागोटी जो लगता है उसका भाव बढ़ गया? सभी भाव बढ़ा के आज मार्केट में भी कृषि उत्पन्न जो भी है, उड़ीद का, मूंग का, सोयाबीन का, सभी भाव उतना ही है, लेकिन खर्चा डबल ट्रिपल हुआ है। तो उनका उनका आमदनी कैसे डबल होगा भाई? ये तो किसान विरोधी सरकार है। कोई किसान एक भी वोट बीजेपी को नहीं देना चाहिए। रोजगार दे तो बोले, रोजगार भी नहीं दिए। जो नौकरियां थे बॉम्बे में, पुणे में, बेंगलुरु में, छोटे मोटे जितने कारोबारी थे जीएसटी में परेशान हो गए। छोटे एमएसएमई जो भी कारखाने थे वो भी बंद हो गए। हमारे युवक वापिस आए। तो भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं युवकों के साथ भी उनका भी भविष्य बीजेपी ने नाश करके रख दिया है। तो आज यहाँ पर ब्रह्मांड भ्रष्टाचार है, ये सब उखाड़ फेंकना है। तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, 5 गारंटियां हमने दिया है, 5 गारंटियां। आपको जो महंगाई की मार से कम करने के लिए गृहलक्ष्मी योजना, ये गृहलक्ष्मी योजना के तहत कर्नाटक के एक एक
परिवार के एक महिला, बीपीएल हो, एपीएल हो, कोई भी हो, सभी समुदाय के महिला को हर महीने को 2000 रुपए, हर साल को 26000 रुपए देने का हमने घोषणा किया। यूनिट तक करंट माफ, महिलाओं को बस में फ्री प्रयाण। और हम लोग जब सिद्धरामैया की कर्नाटक सरकार थी, कर्नाटक में मैं मंत्री था, तो अन्नभाग्य के कार्यक्रम में हम जो ना हर एक व्यक्ति को 7 किलो चावल फ्री देते थे। अब बीजेपी 5 किलो किया, फिर हम सरकार में आने के बाद 10 किलो चावल हर एक को देने का घोषणा किया। युवकों के लिए, हमारे जो युवक है उनके लिए बेरोजगारी भत्ता, जो डिग्री किए हैं बीए, बीएससी, बीएड, एलएलबी वगैरह, जो भी 25 साल की उम्र से कम है, उनको 2 साल तक 3000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता, और डिप्लोमा वालों को 1500 रुपए महीने भत्ता देने का हमने ऐलान किया। तो आज आप लिख लीजिए, 13 तारीख को जो फलितांश आने वाला है, कर्नाटक में 150 सीट जीत के कांग्रेस सरकार बना रहा है। और कांग्रेस की सरकार में मैं कार्याध्यक्ष हूँ केपीसीसी के, आपका जो एमएलए है और भी ऊंचे स्थान में जाना ना, आपका सम्मान बढ़ जाना क्या नहीं, आपका कीर्ति बढ़ना क्या नहीं, ये सब करना है तो क्या करना है, 10 तारीख को सभी लोग कांग्रेस का चिन्ह हाथ है, हाथ के ऊपर मोर लगा के प्रचंड बहुमत से विजय कराएं बोल के प्रार्थना करते हुए मैं दशम स्नान करता हूँ। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या ठिकाणी, त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा। मित्रांनो, या ठिकाणी आज येत असताना मराठी चालेल बोलत चालेल, मराठी चले का ना, बसवण्णांना सुद्धा मी अभिवादन करतो। आज या ठिकाणी आमचे मित्र ईश्वर खंडरे, इनके प्रचार के लिए मैं यहां पर आया हूं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, और मुझे ये बताने में कोई हर्ज नहीं है, ये जो हमारी रैली है इसमें सब महिलाओं, माताओं से लेके युवा साथी, बुजुर्ग जो आए हुए हैं, ये बताते हैं ईश्वर भाई आप जीत गए हैं, जीत गए हैं। खाली 10 तारीख तक वेट कर रहे हैं, आज होते तो आज वोटिंग कर देते थे वो। तो आज इतने बड़े पैमाने पे कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 5 साल में लोगों ने जो महसूस किया, बीजेपी सरकार ने जो कर्नाटक में मनमानी चलाई और जिससे बहुत बड़ा नुकसान आपकी स्टेट का हुआ, उसके बारे में लोगों में बहुत बड़े पैमाने पे दिल में गुस्सा है। तो लोग चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार दोबारा इस स्टेट में आ जाए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डीके शिवकुमार जी, हमसे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी, ये सगले नेते, ये सभी नेता आज मैदान में उतरे हुए हैं। आपको याद होगा 5 साल पहले घोषणा बीजेपी की थी, दोस्तों इतनी बार, अब की बार बोल रहे थे महंगाई की मार, और अब की बार बोल रहे थे हमारी सरकार। दोस्तों ये जवाब हमको देना है, बहुत हो गई महंगाई की मार, बहुत हो गई भ्रष्टाचार की मार, इस बार कांग्रेस सरकार, ये हमारा नारा होना चाहिए है। लोगों में ये भावना है ना, 15 लाख रुपए अकाउंट में आए, ना 2 करोड़ नौकरियां लोगों को मिली, ना इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ काम हुआ, ये सब हम लोग देख रहे हैं। आसपास हम लोग महाराष्ट्र में आपको लगकर है, आपको लगकर हमने लड़ाई महाराष्ट्र में भी लड़ी, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से हम महाराष्ट्र में काम करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से करते हैं, हमारे सब लोग यहाँ पर इसलिए शामिल है। हम चाहते हैं कर्नाटक रास्ता दिखाएगा इस देश को, कर्नाटक में तो हमने सरकार आएगी और पूरे देश में महाराष्ट्र के साथ फिर हमारी सबकी सरकार।
इस महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना के साथ में, आपके कर्नाटक के साथ में, पूरे देश में भी सरकार आएगी। लोगों को ना 15 लाख लोगों को अकाउंट में मिले, ना 2 करोड़ नौकरियां मिले, और केंद्र के बड़े बड़े नेता कहते हैं ये तो सिर्फ रेवड़ियां, कांग्रेस वाले रेवड़ियां बांटते बोले। जैसे यहाँ पर ईश्वर भाई ने कहा कि कांग्रेस की जाहिरनामा फ्रंट हमारा मैनिफेस्टो में हमने महिलाओं के लिए सुविधा दी, बेरोजगारों के लिए सुविधा दी, अनाज दिया, और ये भी हमने रेवड़ी नहीं दोस्तों, ये हमारा वादा है। 1 साल के अंदर ये सब होने वाला है, चुन के आने के बाद 1 साल के अंदर। इनके जैसा झूठ हमने नहीं कहा है। और ईश्वर भाई कहते हैं, और ईश्वर नाम ही ईश्वर है, ईश्वर बोलेंगे तो पता होता है, नाम ही ईश्वर है। और ईश्वर जय भाई जब बोलते हैं तो सरकार में जरूर आएंगे, और वो बोले पहले कैबिनेट में मैं पास करा दूंगा। तो दोस्तों, इससे ज्यादा पक्का वादा करने वाला और कौन है आपके सामने? आपने बाढ़ देखी, आपने ओले देखे, आपने नुकसान देखा, कई सरकार ने मदद नहीं की, मौजूदा सरकार ने कहीं पर भी मदद नहीं की। यहाँ पर हालात मैं देख रहा हूँ, महाराष्ट्र को अलग करिए, सब क्षेत्र है हालात, एक क्षेत्र के बहुत बुरा हाल है इस क्षेत्र का। और इसीलिए लोग तुम्हारे यहाँ के आसपास के जो बीजेपी के एमएलए महाराष्ट्र में दौड़ के आते होंगे। हमारे अंतापुरकर बाई इलेक्शन पे हमारा दलित साथी है, हमने वहां पर 40,000 वोट से बाई इलेक्शन से अभी चुन के आए, 6 महीना हो गया। इनके पिताजी वहां पर एमएलए थे, कोविड से उनकी डेथ हो गई, इनको बेटे को हमने टिकट दिया और 40,000 वोट से वो चुन कर आए हैं। एक दलित समाज का हमारा ये साथी, युवा साथी यहाँ पर है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है, माहौल अच्छा है, कर्नाटक का जो पुराना ग्लोरी है आईटी सेक्टर में, इंडस्ट्री में, इन्वेस्टमेंट में, अब सब इन्वेस्टमेंट गुजरात में जा रहा है, सब इन्वेस्टमेंट तुम्हारे राज्य में नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र में राज्य में नहीं आ रहा है, सरकार को तोड़ फोड़ के मरोड़ के सब पैसा उधर लिया जा रहा है, अहमदाबाद जा रहा है, गुजरात जा रहा है। हम चाहेंगे जो भी इन्वेस्टमेंट आए कर्नाटक में आए, जो भी इन्वेस्टमेंट आए महाराष्ट्र में आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, लोगों को पैसा मिले, लोगों को आमदनी मिले और गरीब लोगों को न्याय मिले, यही हमारी भूमिका है। और मुझे पूरा भरोसा है ईश्वर भाई कभी कुछ कम नहीं पड़ने देंगे, ऐसे मजबूत साथी यहाँ पर ईश्वर भाई के रूप से आज हमें मिले हैं। तो ईश्वर भाई को चुन के दीजिए और यहाँ पर उनके सत्कार के लिए महाराष्ट्र से मैं जरूर आऊंगा, उनको मैं मंत्री देखना चाहूंगा दोस्तों, इसलिए उनके लिए मैं जरूर आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय देश।